दोस्तों साल 2013 में आमिर खान की धूम 3 मूवी तो आप सभी ने देखी होगी। इस फिल्म में हमें आमिर खान की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ साथ ज़बरदस्त एक्शन भी देखने को मिले थे और इस फिल्म में हमें अभिषेक बच्चन की भी ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिली थी। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में VFX की बात करें तो वो भी बड़ा कमाल का था। और आज जबकि 10 साल बीत चुका है फिल्म को बने हुए, तो आज के टाइम पर फिल्म बनाने का VFX भी और कमाल का हो चुका है। दोस्तों अब तो बॉलीवुड की फिल्मों में भी हॉलीवुड की तरह ही VFX यूज़ करने लगे हैं। और जब से शाहरुख खान की पठान फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया तब से लेकर अब तक हर कोई एक्शन फिल्म बनाने में लगा है। और दोस्तों यही देखते हुए धूम 3 के मेकर्स ने भी इसका अगले पार्ट की तैयारी कर ली है। पिछले कुछ समय से धूम 4 को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ दिन पहले इसके मेकर्स ने स्टार कास्ट के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में तलाश की जा रही है। तो धूम 3 के मेकर्स की तरफ से हिंट मिला कि इस बार हम धूम 4 में शायद आमिर खान को नहीं देखेंगे। पिछले कुछ समय से आमिर खान की कुछ फिल्में जो फ्लॉप हुई उसको देखते हुए धूम 3 के मेकर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और शायद इस बार हमें इस फिल्म में शाहरुख खान या फिर सलमान खान देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों खबरें ये भी आ रही कि आमिर खान ने फिल्म के मेकर से बात की है कि वो इसके चौथे पार्ट में काम करना चाहते हैं। दोस्तों जिस तरह से एक्शन फिल्में अभी चल रही है उसको देखते हुए आमिर खान भी चाहते हैं कि उनकी वापसी एक बड़ी एक्शन फिल्म के साथ हो। अब दोस्तों देखना ये होगा कि फिल्म के मेकर्स क्या करते हैं, इस आमिर खान को दोबारा लेते हैं या फिर किसी और नए स्टार को इस फिल्म में रखा जाएगा। और दोस्तों फिलहाल बॉलीवुड में जिस तरीके से शाहरुख और सलमान का डंका बज रहा है उसको देखते हुए लगता है कि इस फिल्म में भी हमें शाहरुख या सलमान खान ही देखने को मिलेंगे। और अगर दोस्तों ऐसा होता है कि शाहरुख या सलमान खान इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है तो ये फिल्म भी बड़ी ज़बरदस्त हिट होने वाली है। वहीं बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन की तो इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। और अगर दोस्तों धूम 4 के मेकर्स आमिर खान को कास्ट करते हैं तो इस फिल्म में आमिर खान को भी काफ़ी लंबा समय लगेगा क्योंकि आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म चैंपियन की शूटिंग में बिजी है। और अगर दोस्तों हम शाहरुख और सलमान की बात करते हैं उनका शेड्यूल भी एकदम पैक है। इसका मतलब दोस्तों ये कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी होती है तो कम से कम साल 2024 के शुरुआत में ही शुरू हो सकती है क्योंकि इससे पहले तीनों ही एक्टर्स अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफ़ी बिजी है। तो अगर दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग अगर साल 2023 की शुरुआत में भी शुरू होती है तो कम से कम बनने में 1 साल लगेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी फिल्म हमें साल 2024 की शुरुआत या फिर साल 2024 के एंड तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।